आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में स्कूल के बच्चों द्वारा दशहरा उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा भाषण प्रतियोगिता के साथ राम लक्ष्मण सीता और रावण से संबंधित लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें स्कूल के बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रेरणा मिली। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने कहा कि स्कूल के बच्चों द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला हमारी संस्कृति है। स्कूल में बच्चों ने अभिनय करके राम लक्ष्मण भरत के चरित्र को प्रस्तुत किया, ताकि बच्चों को पता चले कि राम कैसे थे, भरत कैसे थे, माता को कैसे होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए और एक पत्नी को कैसा होना चाहिए। रामायण द्वारा किस ढंग से हम एक अच्छे परिवार को चला सकते हैं, ये शिक्षा हमें रामायण ही देती है। इसी के तहत बच्चों द्वारा स्कूल के प्रांगण में सफाई अभियान भी चलाया गया। स्कूल में दशहरा के ऊपर जो है बच्चों ने रामलीला का मंचन किया, और ये रामलीला जो है ये हमारी संस्कृति है, और इसके बारे में स्कूल में बच्चों ने अभिनय करके राम लक्ष्मण भरत के चित्र को जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि बच्चों को पता चले कि राम का चरित्र, राम कैसे थे, भरत कैसे थे, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए। रामायण जो है वो किस ढंग से एक अच्छा परिवार जो है वो किस ढंग से जो है वो हम एक अच्छे परिवार को चला सकते हैं, ये हमें एक शिक्षा जो है वो रामायण ही देती है। इसका मंचन जो है वो आज स्कूल में बच्चों के द्वारा किया गया। इसी के साथ साथ बच्चों के द्वारा स्कूल में जो है वो सफाई अभियान का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने जो है वो अपने स्कूल कैंपस की जो है वो सफाई की है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ में बच्चों ने अपने क्लासरूम की सफाई की है, और साथ में बच्चों को सुबह प्रेयर में ये बताया गया कि देखो कि सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। जब हम अपने आप को साफ रखेंगे, अपने क्लासरूम को, कक्षा को साफ रखेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, तभी तो उसके बाद ही हम तो अपने वातावरण को साफ और स्वच्छ बना पाएंगे।